असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आल होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड इन गुड मूड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड लेसन ऑफ अवर ई वी एस बुक द्लास फिफ्थ फ्राम टेस्टिंग टू डाइजस्टिंग बिगिन डिफरेंट टेस्ट तो बच्चों पहले जो हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं फ्राम टेस्टिंग टू डाइजस्टिंग इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंट टेस्ट्स ओके Jumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter good. Give me good jaggery and roti. <coughs> good is jaggery, okay? Ma smiled and said, You are you ate roti and sugar in the morning. julian teased Jumpa. Don't you get bored of only one kind of taste? Jumpa replied quickly. Do you get bored with licking Emily? Emily means tamarind i bet your mouth is watering just by hearing the word imli sure i love the uh, sour imli but i eat sweet and salty things too i even eat karela said julian and looked at her mother they both laughed heartily they both laughed heartily julian said to Jumpa, let's play a game you close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You had to tell what it is. Julian took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jumpa's mouth. Sour lemon, Jumpa replied quickly. Julian then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, Crush it, otherwise she will know what it is. Julian crushed the jaggery. But Jumpa easily guessed it. They played the game with different food items. Jumpa could tell the fried fish even before tasting it. Julan said, Now close your nose and tell me what this is. Jumpa was confused. It is a bit bitter, a little salty, and somewhat sour. Give me one more spoonful. Julan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jumpa's eyes, and said, Here it is, eat. Jumpa laughed, Yes, give me more. Discuss एंड राइट तो पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे डिफरेंट टेस्ट जो है बच्चों मतलब जो हम पढ़ेंगे लेसन फ्रॉम टेस्टिंग टू तो डाइजेस्टिंग जो भी हम खाते हैं जो हमारा फूड है गुज़ा है जो भी हम खाते हैं हमारा आ, फ्रूट्स खाते हैं हम अपनी ग्रेन्स खाते हैं सीरियल खाते हैं पल्सेस खाते हैं और आ, सब्जियाँ खाते हैं मतलब फल फ्रूट बहुत सारी चीज़ें जो कुछ भी हम खाते हैं एज फूड तो इसका टेस्ट कैसा होता है कौन सा टेस्ट हमें पसंद है फिर ये कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करता है इसमें सारा कुछ हम पढ़ेंगे तो पहले हम टेस्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तो ज़्यादातर ध्यान हम देते हैं टेस्ट पे उस टाइम हमें जो टेस्टी लगता है हम ज़्यादातर वही फ़ूड खाते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें वही खाना चाहिए जो हमें टेस्ट से ही अच्छा लगे या हमें अपने हेल्दी फ़ूड को Uh, अगर उसमें टेस्ट थोड़ा सा बाकी चीज़ों से कम भी हो तो वो खाना चाहिए वो हम लेटर पढ़ेंगे डिफरेंट टेस्ट जो है मीनस बहुत सारे मुख्त टेस्ट्स मुख्तलिफ़ कस्म के जायके जुम्पा रैन इंटो द किचन एंड कॉट होल्ड आवर मदर मीनस कि जुम्पा जो एक लड़की है ये मतलब भागती हुई किचन की तरफ गई और कहा अपनी मामा से माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर मैं ये करेला नहीं खाऊँगी मी, मीनज जैगरी मीनस जिसको हम गुड़ बोलते हैं और ये टाइप ऑफ शुगर दिस इज़ नेचुरल शुगर ओके एंड रोटी मुझे गुड़ दो और रोटी दो जैसे आप भी कभी घर पे खाती हो जो रोटी में आप थोड़ा सा शुगर डालते हो तो फिर आप खाते हो बच्चों तो वैसे ही इसने भी बोला जैगरीबी जो नेचुरल शुगर है वो प्रोसेसड नहीं होता है तो उसको बोलते हैं गुड माँ स्मायल्स एंड सैड मा, इसकी मामा जो है वो हंसने लगी और कहा यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग आपने सुबह भी रोटी और आ, शु, मतलब शुगर खाया अब आप गुड़ और आ, ये बोल रही हो तो जूलन टीजट चंपा अब जो जूलन है उसकी दूसरी सिस्टर तो उसने उसको थोड़ा सा तंग किया और बोला उसने उसको मतलब थोड़ी सी उसकी नकल की कि डू टू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट क्या आपको मतलब अच्छा नहीं मतलब आप बोर नहीं होती एक ही तरह का खाना खाने से एक ही तरह का मतलब शुगर सुबह भी खाया इस वक्त भी शुगर और रोटी आप मतलब कंटिन्यू ही तो आप बोर नहीं हो जाओगी तो जो जु, जुम्पा को थोड़ा सा वो मतलब गुस्सा आया वो इरीटेट हो गई तो उसने कहा डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टेमरिन तो ये थोड़ी सी बड़ी थी इसको बोला कि आप इमली जो दिन भर चाटती रहती हो आप उसे बोर तो नहीं होती हो मैं क्यों हो जाएंगी बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली तो मैं शर्त लगाऊंगी कि आपका जो मुँह है उसमें पानी आ रहा है कि वर्ड सुनते ही इमली जो आप सुनते हो श्योर आई लव द सार इमली तो जो ये इसकी सिस्टर है जूलन उसने कहा हाँ मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट जो इमली का खट्टा टेस्ट होता है वो खटाई मुझे अच्छी लगती है बट इट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू लेकिन मैं मीठी चीज़ें भी खाती हूँ नमकीन भी खाती हूँ आई इवन ईट करेला तो मैं करेला भी खाती हूँ सर जूलन एंड लुकड मदर दे बोतलाटली तो उन्होंने बहुत मतलब एक जब इंसान खुश होता है तो वो दिल से हँसता है ना तो वैसे ही अच्छे से मतलब उन्होंने एक दैट वाज ए हार्टफुल लॉफ ओके तो अच्छे से उन्होंने हंसा तो जूलन सेट टू जुम्पा अब जूलन ने बोला लेट्स प्ले हम गेम खेलते हैं यू क्लोज योर एंड ओपन योर माउथ आप आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो मैं आपको मुंह में कुछ चीज़ें डालूंगी आप बताना ये क्या टेस्ट है ठीक है तो जूलन टू गए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जो जूलन ने उसके मुँह में थोड़ा सा लेमन डाला जो नींबू होता है उसी को डाला एक uh, मतलब चम्मच में तो बोला कि इसका टेस्ट कैसा है जम्पा ने जल्दी बोला ये खट्टा है जुम्पा रिप्लाइड को तो जुलन देन पिकड अप समॉल पीस अब जैगरी हर मदद अदरवाइज शी विल नो व्हाट इज अब उसने अब थोड़ा सा छोटा सा पीस उठाया जैगरी का लेकिन उसकी माँ ने उसको बोला इसको पहले तो, तोड़ो क्योंकि इसको आ, आ, आराम से पता चलेगा कि ये जैगरी है जुलन क्रश जैगरी बट चुम्पा इजिली गेस्टेड लेकिन जुम्पा को फिर भी समझ आया कि ये जैगरी है दे प्ले द गेम डिफरेंट फूड आई जम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट अब जो फ्राइड फिश है उसका पता है उसको मतलब टेस्ट से पहले क्योंकि उसकी स्मेल से पता चला जूलन सेड नाउ क्लोज योर एज एंड टेल मी व्हाट इज़ इट अब जुम्पा की टर्न थी जम्पा वाज कन्फ्यूज जुलन सेड नाउ अब जुलन ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो अब मैं आपको कुछ दूंगी तो आप बोलना कि ये क्या है ठीक है वाज जम्पा क्लोज योर नोज एंड टेल मी वाट दिस इज नाट क्लोज योर नोज जुम्पा आवाज कन्फ्यूज no, अब नाक उसको बंद रखनी थी ठीक है क्योंकि जब हम स्मेल करते हैं कुछ उस वक्त भी हमें थोड़ा सा टेस्ट का पता चलता है ए लिटल सॉल्टी एंड सॉर गिव मी वन मोर स्पून फुल अब जुलन जो है जुम्पा जो है उसने कहा मुझे समझ नहीं आया मुझे एक और चम्मच दो जुलन ने दूसरा चम्मच दिया कुट करेला तो फिर उसकी आंखें खोली जुम्पा की और बोला देखो क्या था हेयर इट इज़ जुम्पा लाव डी एज गिव मी मोर अब जुम्पा ने बोला ठीक है मुझे थोड़ा सा और दो पहले इसने माना ही नहीं था खाना लेकिन अब इसने बोला कि मुझे थोड़ा सा और करेला दो अब उसको टेस्ट थोड़ा सा ठीक आया तो बच्चों जो हमने पढ़ा अब इसी के कुछ क्वेश्चन है डिस्कस एंड रेड माउथ स्टार्टेड वाटर वैन शी हर्ड द वर्ड इमली वेन डज़ यूर माउथ वाटर लिस्ट फाइव थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब्स ये टेस्ट अब ही इसने बोला जूलन ने मतलब इमली का नाम सुना तो उसके मुंह में पानी आया तो आप बोलो कि कौन सा फूड ऐसा है जो आपके मुंह में पानी लाता है मतलब जैसे उसका नाम बोलेंगे तो जैसे हम बोलते हैं संगतरा तो हमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये बहुत मतलब अच्छा है या किसी को एप्पल के नाम से या किसी को आइसक्रीम के नाम से पानी आता है मुँह में तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके मुंह में पानी लाती है तो उन चीज़ों के पांच मतलब पांच चीज़ों के नाम लिखने हैं ठीक है थीके? तो आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट वंस क्या आपको एक तरह का ही टेस्ट अच्छा लगता है और क्यों तो ये कुछ क्वेश्चन है आप अगर ये वीडियो जो देखोगे आप ये वीडियो जो मैं अपलोड अभी करूँगी लेक्चर आप सुनोगे उसके बाद आप अपने रफ पे लिखोगे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो अगर नहीं तो मैं ये कल आपको दूसरे लेक्चर में बताऊँगी थैंक्स